एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। फैज़ अहमद फैज़ के बाद उर्दू शायरी में सबसे बड़ा माना जाने वाला नाम मुनीर नियाज़ी का है। मुनीर नियाज़ी खानपुर इंडिया में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं पर हासिल की। पाकिस्तान बनने के बाद वो यहाँ आ गए और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। मुनीर नियाज़ी ने अपने फिल्मी गीतों, नज़्मों और खूबसूरत गज़लों से बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवान की नहर है और हम हैं दोस्तों, ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों, जैसी गज़लों से शोहरत की बुलंदियां छूने वाले मुनीर नियाज़ी अपना एक मुनफरद अस्लूब रखते थे। उनका अंदाज़े बयां नए आने वाले शोरा ने भी अपनाया। उर्दू के साथ साथ उनकी पंजाबी शायरी भी जबान जदो खासो आम है। कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। हमेशा देर कर देने वाले अजीम शायर ने हमसे बिछड़ने में भी देर नहीं की और 26 दिसंबर 2006 की एक सर्द सुबह की धुंध में हमेशा के लिए हमसे खो गए। मुनीर, अफकार तेरे जो यहाँ बर्बाद फिरते हैं, किसी आते समय के शहर की बुनियाद भी होंगे। जहीर अहमद कालों, सिटी 42।